नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं शाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, राजधानी में आज चहलुम मनाया जा रहा है, जिसे लेकर पुराने लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था के काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत इसे मनाने के निर्देश दिए गए हैं। जुलूस पर पाबंदी लगाई गई है, तो इमामबाड़े में मजलिस की इजाजत दी गई है, जिसमें 100 से अधिक लोगों के शामिल होने पर पाबंदी है। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने धर्मगुरुओं सहित तमाम लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की है। सुरक्षा के लिहाज से पुराने लखनऊ में 14 अपर पुलिस अधीक्षक, 29 उपजिला अधीक्षक, 25 प्रभारी निरीक्षक, 7 अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक, 170 उप निरीक्षक, 17 महिला उप निरीक्षक, 120 हेड कांस्टेबल, 2690 कांस्टेबल, 180 महिला कांस्टेबल, 10 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स के साथ एटीएस कमांडो को तैनात किया गया। पूरे क्षेत्र को 5 जोन व 18 सेक्टरों में बांट दिया गया। संवेदनशील व असंवेदनशील इलाकों में 33 सीसीटीवी के साथ ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पे निगरानी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की, तो दूसरी तरफ तमाम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है कि वो जुलूस ना निकालकर ऑनलाइन मजलिस में शिरकत करें और कोरोना गाइडलाइंस के साथ ही पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। बहरहाल, पूरी तरह से शांति व्यवस्था के बीच चहलुम संपन्न कराया जा रहा है और चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी नजर गड़ाए हुए हैं, ताकि कोई अव्यवस्था ना फैलाने। आज चहलुम का कार्यक्रम है, जिसको बड़ी संख्या में सिया समुदाय के लोग मनाते हैं। इसमें पुलिस के द्वारा पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी की जा रही है। यहाँ पे करीबों करीब 1500 पुलिस बल की डिप्लॉयमेंट हुआ है। 50 के आसपास पुलिस ऑफिसर्स हैं, एटीएस की अलग टीम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल फोर्सेस हैं, पीएसी 10 कंपनी के लगभग 10 कंपनी डिप्लॉयड है। इसके अलावा स्पेशल पीआरवी टीम्स हैं, जो 50 की संख्या में है, पॉलीगन ड्यूटीज में लगे हुए हैं, ड्रोन डिप्लॉयड है, और लगातार सारे लोग सिविल वार्डन्स वगैरह के साथ मिलकर इंश्योर करवा रहे हैं कि पूरी कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कम्प्लीट हो जाए। धन्यवाद। आज पूरी दुनिया में माँ शरद माँ का चेहरा मनाया जा रहा है। चेहरू यानी माँ की शहादत का 40वां दिन है, जिसको चेहरू कहा जाता है, जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है इस वक्त। और इसके लिए अहमियत ये थी कि 40 दिन तक आसमान से जो फूल बरसा था और जमीन से जो फूल निकला था, तो 40 दिन तक हुआ था, इसी वजह से 40 दिन तक हम उसका मनाया जाता है। लेकिन लखनऊ की खसूसियत यह है कि यहाँ 8 अक्टूबर पर मनाया जाता है, वरना और पूरी दुनिया में आज को और खत्म हो जाए। जुलूस के लिए यह है कि अभी कोई भी जुलूस नहीं निकल रहा है, किसी भी मजहब का जुलूस नहीं निकल रहा है कोरोना की वजह से। ज्यादा हमारे जुलूस को भी पाबंदी, इन शाला सब जुलूस निकलेंगे, तो हमारा जुलूस निकलना। आवाम से कहना चाहते हैं भैया, ये कोरोना के जितने कवानी उनकी पाबंदी होना चाहिए, क्योंकि ये मदद ऐसा है कि इसको सिर्फ एहतियात से इंसान कर सकता है, इसका कोई इलाज अभी तक नहीं निकला है। ज़्यादा बहुत एहतियात करना चाहिए, और ख़ासतौर से ऐसा मजमा जमाना हो कि इसमें किसी को खतरा हो लगने का। ज़्यादा जो डॉक्टर जो एहतियात बताते हैं, हमारे उलमा और मराजे ने भी यही हुक्म दिया है कि जो डॉक्टर एहतियात बताते हैं उस पर अमल करना बाकी है।